गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सोनू अहमद शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से। शांति निकेतन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देख लीजिए। और जो है त्रिकोणमिति में हम लोग जो है पहला पाठ पढ़ लिए थे, बड़ा पाठ जो आप लोग उदाहरण बता दिया गया था, आप लोग जो उसको लगा लेंगे, उसी के आधार पर सब सवाले हैं। इसके बाद देख लीजिए आपका जो है ये त्रिकोणमिति दिया है, यानी थीटा कोण अगर जीरो अंश होगा साइन, या थीटा जीरो अंश, तीस अंश, पैंतालीस अंश, साठ अंश, नब्बे अंश, अगर साइन जीरो अंश का मान, यहाँ से देखिए साइन जीरो अंश का मान कितना होगा, जीरो। साइन तीस अंश का मान एक बटा दो, साइन पैंतालीस का मान एक बटा करड़ी में दो, साइन साठ का मान करड़ी में तीन बटा दो, साइन नब्बे का मान एक। अब देखिए ध्यान दो, कास जो है कास थीटा, यानी कास जो अगर थीटा अगर जीरो अंश होगा तो कास जीरो अंश का मान एक, कास तीस का मान कितना होगा करड़ी में तीन बटा दो, कास पैंतालीस का मान एक बटा करड़ी में दो, कास साठ का मान होगा एक बटा दो, और कास नब्बे का मान होगा जीरो। आइए देख लीजिए टेन थीटा का मान होगा जीरो, टेन तीस का मान होगा एक बटा करड़ी में तीन, टेन पचास का मान होगा एक, टेन साठ का करड़ी में तीन, और टेन नब्बे का होगा इन्फिनिटिव अनंत। और देख लीजिए कोसेक जो है उल्टा होता है किसका, व्युत्क्रम होता है साइन का। तो आप क्या कर सकते हैं, यानी जब हम करेंगे यानी साइन यानी बटा एक कर देंगे तो एक बटा जीरो जब होता है इन्फिनिटिव हो जाएगा। देखिए पलट सकते हैं आप, दो बटा एक यानी दो हो जाएगा साइन तीस अंश, अरे कोसेक तीस अंश का, और कोसेक जो है जीरो अंश का मान इन्फिनिटिव, क्योंकि एक बटा जीरो होगा किसी संख्या में, जब जीरो का भाग दे तो इन्फिनिटिव आता है, ठीक है। और देख लीजिए इसके बाद यह दो आ गया, इसके बाद यह करड़ी में दो ऊपर जाएगा एक नीचे हो जाएगा, करड़ी में दो यानी तीन जो है क्या करेगा यहाँ कोसेक, देखिए ध्यान दीजिए, यानी तीन करड़ी में तीन नीचे आ गया दो ऊपर चला गया एक, इसके बाद जो है आइए सेक किसका उल्टा होता है, कास का, कास का भी उत्क्रम होता है, यानी एक बटा एक कर देंगे तो एक आएगा, यह करड़ी में तीन नीचे चला गया दो, करड़ी में दो ऊपर चला गया एक नीचे, तो बटा एक का कोई हर है तो करड़ी में दो आप लिख सकते हैं, यानी यह देख लीजिए सेक का जो है सेक साठ का दो इन्फिनिटिव, वही चीज़ जो है एक बटा जीरो होगा तो कितना आएगा इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। इसे अब जीरो बटा यानी जीरो का बटा एक कर देंगे, एक बटा जीरो जब होगा तो इन्फिनिटिव आ जाएगा। कास्ट यहाँ जो है आपका कोसेक यहाँ काट थीटा है, सॉरी काट थीटा यहाँ रहेगा, ध्यान दीजिए ये इन्फिनिटिव होगा, करड़ी में तीन ऊपर चला गया एक नीचे आ गया, यहाँ एक बटा एक करेंगे एक आएगा, यानी एक बटा एक कर देंगे तो यह पलट व्युत्क्रम होगा इसका, यानी काट साठ अंश का मान एक बटा करड़ी में तीन होगा, और काट नब्बे अंश का मान होगा जीरो। देख लीजिए ये आपका रहा कुछ त्रिकोणमिति, इस जो है फार्मूला को याद करना होगा, और इसके बिना हम एक पग भी चल नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं, यह ज़रूर से याद करना होगा आपको, ठीक है। और इसको मिटा रहे हैं, आगे देख लीजिए, इसी के आधार पर यह सवालें होंगी। पहला सवाल दिया आपका देख सर, उदाहरण आपका पहला है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, और दिया है ए बी बराबर पाँच सेंटीमीटर, ए बी बराबर पाँच सेंटीमीटर, और जो है कोण और कोण ए सी बी बराबर के तीस अंश, भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए, भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाइयाँ पूछ रहा है, लंबाई ज्ञात करो। अब ध्यान दीजिए ये सवाल में होगा क्या, यानी हम जो है यह एक चित्र बना ले रहे हैं,
यहाँ हल की शुरुआत की जा रही है। चित्र में क्या है, कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण ले लीजिए, और यह ए बी सी हो गया। तो दिया क्या है आपका, यानी कोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है, कोण ए सी बी बराबर के 30 अंश। तो ए सी बी होता क्या है, यानी कोण ए सी बी बराबर के 30 अंश। तो देखिए यहाँ, तो साइन तीस उसको मानेंगे, ए सी बी को जब हम साइन मानेंगे, तो ध्यान दो, यानी साइन 30 अगर मान लिए हम ए सी बी का मान, तो यहाँ देखो ये 30 अंश है, तो साइन 30 अगर हम मानेंगे तो ये होगा लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। तो लंब क्या होगा, लंब देख लीजिए, यानी ए बी अब बटा के क्या है बी सी, सॉरी ए बी अब बटा के क्या है ए सी। इसके बाद देख लो ए बी आपका दिया है, ए बी दिया है 5, कितना दिया है 5, और हमको जो है यहाँ से ए सी निकल जाएगा। यहाँ 37 का मान रख दे रहे हैं, 37 का मान कितना होता है 1/2 बराबर के ए बी बटा के, ए बी का मान दिया है आपका, ए बी का भी मान रख दीजिए 5 बटा के ए सी, तो ए सी का 3 गुणा कर दीजिए, तो ए सी बराबर 5 × 2 हो जाएगा, 3 गुणा होगा तो कितना 10 आएगा, ए सी का मान कितना आ गया 10। अब हमसे पूछा है अब आगे कि बी सी का मान बताइए, ए सी मैंने निकाल दिया, अब बी सी देख लीजिए किस में आएगा, तो बी सी आपका आ जाएगा, तो बी सी किसी में ले सकते हो, कासा थीटा में ले लो या टेन थीटा, टेन 30 बराबर क्या होगा लंब बटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो क्या होगा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। तो टेन थीटा, टेन 30 का मान 1/3 होता है इसका मान, और ये कितना है ए बी, ए बी हमको पता है ए बी कितना है 5, और बी सी हमको नहीं पता है, तो त्रिभुज गुणा कर दीजिए, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 5/3। ये हमारा एक भुजा दोनों निकालना था, ध्यान दीजिए ये सवाल में दिया आपके त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इसका समकोण है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, और कोण ए सी बी बराबर 30 अंश, भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब समझिए, यानी हम जो है कोण बी समकोण ले रहे हैं, और ए बी जो है ये आपका दिया है कितना 5, हमको बी सी निकालना है और ए सी निकालना है, तो हम ऐसा कोण लेंगे जिसमें बी सी आ जाए, यानी ए बी और बी सी दोनों आ जाते। देखिए साइन थीटा अगर हम ले लेते हैं, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण है साइन 30 अंश मान लिए मैं, या 30 अंश दिया है, तो साइन 30 बराबर क्या होगा ए बी बटा ए सी हो गया। तो देखिए यहाँ साइन 30 का मान 1/2 और बराबर के ए बी कितना है, ए बी देख लीजिए 5 है, 5/ ए सी, ए सी हमारा निकल गया, फिर ये पूरा कर दीजिए, ए सी में क्या होगा 5 × 10 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा अब देखिए यहाँ जो बी सी, अब हम ऐसा खोलेंगे जिसमें हमारा बी सी निकल जाए, बी सी और एक मान ए बी का मान ये दिया है, तो हम जो ले लेंगे 10 फीट, क्या ले लेंगे 10 फीट, 10 फीट बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, तो लंब क्या है ए बी या बटा आधार क्या है बी सी, बी सी देख लीजिए, या देखो 10 फीट का मान होता है 1/3, कितना होता है 1/3, जब 1/3 रखेंगे मान, तो इसके बाद जो है ए बी का मान दिया है 5, बी सी बटा बी सी फिर गुणा कर लीजिए, बी सी बराबर क्या होगा 5/3। ये आपका सवाल रहा, ये हमको भुजाएं ज्ञात करना था, एक कोण दिया था और समकोण दिया था, इसमें जो है भुजाएं ज्ञात करना था, तो हम जो है ये मान के माध्यम से ज्ञात किए, त्रिकोणमिति मान के माध्यम से आपको जो याद करना पड़ेगा। अगर आगे देख लीजिए, आइए देख लीजिए ये दूसरा सवाल आपका है, एक त्रिभुज दिया है क्योंकि आर में जिसका कोण क्यू क्या है समकोण है, कोण क्यू क्या है समकोण है, कोण क्यू जो है समकोण है, दे दिया है पी क्यू, पी क्यू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद पी आर कितना है, पी आर लीजिए 100 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और लीजिए इसके बाद जो दो भुजा दिया है
और हमको जो है कोड निकालना है। कोड कौन कौन से निकालना है, यानी कोड PRQ ये निकालना है और एक निकालना है कोड QPR, समझिए। देखो यहाँ तो कोड PRQ बराबर लिख सकते हैं, हमें जो है लंब और कर्ण दिया है तो कोड QR PQR, ठीक है। इसको हम जो है थीटा मान लेते हैं, R को थीटा मान लीजिए। तो हम जो है अब जो PQR में जो है हम साइन थीटा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं साइन थीटा। जब साइन थीटा लेंगे तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 3/6 हो गया, और ध्यान दीजिए इसके बाद आपका, तो इसके बाद जो है थीटा मैंने आर को मान लिया है तो पी आर क्यू निकल गया, ठीक है। और जो है ये क्योंकि मान PQR में जिसका कोण क्यू सम कोण है दिया है, सम कोण 90 डिग्री, ठीक है। और PQ कितना है 3 सेंटीमीटर, PQ कितना है 3 सेंटीमीटर, PR कितना है QPR। यदि ए माइनस बी एक बटा दू कॉस बराबर के एक बटा दू, ये प्लस बी
ये बड़ा है लेकिन 90 अंक के बराबर है या 90 अंक से क्या है, दोनों छोटे हैं। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है किससे, बी से, एक बड़ा है बी से। तो ज्ञात कीजिए ध्यान दीजिए इसमें करेंगे क्या हम लोग, ये कुछ बाउंडेशन दे दिया है कि नहीं, जो जो कोण ए और जो है एक बटा दो और का से बटा दो और जो है आपका कोण ए धन कोण बी, ठीक है कोण आइए देख लीजिए ये तीसरा सवाल आपका हुआ और इसमें कुछ है नहीं, आप इसको जो है आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जीरो से बड़ा ए का मान, ये धनबी का मान आ रहा है, ठीक है, और 90 से छोटा आ रहा है। 45 और 15 कितना होगा, 45 और 5 50 और 10 60 होगा, 90 से जो दोनों का योग कम आ रहा है। यह सवाल में आपका तीसरा चौथा सवाल देख लीजिए और इसके बाद सब लगा लेना आप लोग, और जो नहीं आएगा आपको नंबर दिया गया है कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। देख लीजिए आगे क्या दिया है आपका, समझ लीजिए जो आगे सवाल है चौथा, यदि दिया है
कास ए बराबर के करड़ी में 3/2 और जो हो तो साइन 2a का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? साइन 2a का। देखिए ध्यान दीजिए, अब जो है हल कर लीजिए। हल हम a का मान निकाले और इसमें रख दें, यानी कास a बराबर के करड़ी में 3/2, तो कास a बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में 3/2 किसका मान होता है? कास में, यानी यह मान होता है कास 30 का। कितने का मान होता है? कास 30 का। कास से कास क्या हुआ? समाप्त, यानी a बराबर क्या आ गया? 30। तो साइन 2a का मान पूछा है, तो साइन 2a का मान देखो, यहाँ साइन 2 यानी 2 गुणते a का मान कितना मैंने निकल गया? 30। तो साइन कितना आ गया? साइन 30 गुना के 60। हम साइन 60 का मान कितना होगा? साइन 60 का मान होगा करड़ी में 3/2, कितना आएगा? और इस प्रकार से आपका यह सवाल हुआ, और ये अभ्यास आप लगा लीजिएगा। तो जितनी का गरीब सवाल है, और जो नहीं आएगा उसके बाद जो है कमेंट के माध्यम से आप जो है हाल अपना जान सकते हैं। धन्यवाद।